गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी विषय में हमारी पांचवी कविता जिसका नाम है धरती को महकाए। तो आज हम हमारी ये पांचवी कविता धरती को महकाए इसका अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में मैं आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पार्ट वन में हमने काव्य का गान देखा, आज हम इसकी समझूती और गुजराती अनुवाद का अभ्यास करेंगे। इस काव्य में प्रकृति के जो तत्व है, फूल, सूरज, दीपक, उसकी बात की गई है कि फूल हमेशा है वो मुस्कुराता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने के लिए कार्य करता है और दीपक है वो खुद जलकर जगत को रोशनी देता है, उजाला देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रशंसा से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। तो इस काव्य में कवि कहते हैं कि आओ सब मिलकर धरती को महकाए। तो इस कविता की समझूती गुजराती अनुवाद करते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कि वे हमेशा है वो खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, मौज में रहते हो, चाहे आंधी हो कि तूफान हो या पानी हो कि बहुत सारा पानी हो, जो हम कहते हैं वो पूर की परिस्थिति, बहुत सारी बारिश होती है, लेकिन फिर भी वो फूल है वो क्या करते हैं, हंसते हंसते वो सब सहते हैं। बारिश का दिन हो तो भी, भले आंधी हो तूफान हो तो भी वो हंस हंस है वो मुश्किली को सहन करते हैं। और मुश्किली सहन करते हैं तो कैसे करते हैं, मुश्किली में भी हंसते रहते हैं। समझूती, बाग के फूलों को देखो वे हमेशा खुश रहते हैं, आंधी आए या भारी बारिश हो वे इनको हंसते हुए सहते हैं। गुजराती अनुवाद कि बागना फूलों ने जो तेवो हमेशा छे केवा खुश रहे छे, भले तूफान होए आंधी होए के बहु बधो वरसाद होए, तेवो बधु छे ए हसता हसता छे ए सहन करे छे। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा, धरा यानी धरती, तो रोज प्रतिदिन है वो धरती पर आती है, वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है कि सारा जग है वो चमकाती है, अंधकार को दूर भगा देती है और सारा जग है वो उसमें उजाला करती है, चमकाती है। समझूती, तुम सूरज की किरणों को भी देखो, वे हर रोज धरती पर आती है, अंधकार को दूर कर सारी दुनिया में उजाला फैलाती है। सूरज ना किरणों ने तमे जुओ, गुजराती अनुवाद गुजराती में, सूरज ना किरणों ने तमे जुओ ते दररोज छे ए धरती ऊपर आवे छे अने रातना जे अंधकार छे एने दूर करी अने पूरा संसार ने छे ए प्रकाशित करे छे। दीपक को देखो कैसे यह हर दम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक, दीपक यानी दिया, दिया है उसको देखो, यह बात कहते हैं कि दिया को देखो कि हरदम जलता रहता है। दिया है वो हम देखते हैं ना, जलाते हैं तो वो क्या करता है, खुद जलता है, लेकिन अपना अंतर जला जला कर, खुद जलता है अपना अंतर है वो जलाता है लेकिन आसपास में रोशन जग को करता है। वो क्या करता है, उजाला देता है हमें, रोशनी देता है, तो रोशन पूरा जग को करता है। जहां जहां हम दीपक चलाते हैं वहां क्या होती है,
रोशनी होती है, तो वो अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है कि हरदम है वो जलता ही रहता है, और वे अपना हृदय जलाकर दुनिया को उजाला देता है। समझोती, आप दीपक को भी देखो, वह हरदम जलता रहता है। जब तक उसमें तेल रहता है, वह खुद को जलाकर भी दुनिया में रोशनी फैलाने का काम करता है। गुजराती अनुवाद, दीपक એટલે દીવો, દીવાને આપણે જોઈએ તો તે સતત બળતો રહે છે, જ્યાં સુધી તેની અંદર તેલ હોય છે, આપણે તેલ કે ઘી નાખીએ છીએ તો એ ઘી કે તેલ હોય છે ત્યાં સુધી એ દીવો છે એ જલતો રહે છે, બળતો રહે છે, અને પોતાના હૃદયને હંમેશા કેવો બાળે છે, પરંતુ છતાંય દુનિયાને શું કરે છે, પ્રકાશિત કરે છે, દુનિયાને પ્રકાશ આપે છે। આવો હમ ભી ઇન્સાન બનકર जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। कवि कहते हैं कि आओ हम भी इंसान बनकर, कि हम भी मानव है तो मानवता है वो अपनानी चाहिए, मानव है मानवता अपना कर हमें मानव बनने की बात कवि यहाँ पर कहते हैं कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, कि पूरा जगत है उसमें हम अपना नाम कमाए, अपना नाम है वो भी रोशन करे, अच्छे अच्छे सच्चे, ये जो सच्चे काम है, सच्चाई के रास्ते पर चलने हैं, चलने की बात कवि कहते हैं, और अच्छे अच्छे काम करने की बात कवि करते हैं। इसी प्रकार हम सारी पूरी जो धरती है उसको हम महकाए, तो आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम है वो रोशन करे, अपना यश फैलाए, अच्छे अच्छे हम काम करें और सच्चाई के रास्ते पर चलकर काम करें। हमारे अच्छे कामों से यह धरती है वो सुंदर एवं सुगंधित बन जाए, इसी प्रकार हम सारी धरती को महकाए। समझूती, आओ हम सब भी मानव बनकर दुनिया में हमारा नाम ऊंचा करें, अच्छे और नेक काम करके सारी धरती को मानवता की खुशबू से सुगंधित करें। ગુજરાતી અનુવાદ, આવો આપણે પણ સાચા અર્થમાં છે એ મનુષ્ય બની અને સંસારમાં પોતાનું નામ છે એ રોશન કરીએ, પોતાની કીર્તિ અને યશને ફેલાવીએ, આપણે સારા સારા કામો કરીએ, સચ્ચાઈના માર્ગ પર ચાલીએ, નેક કામ કરવા માટે પ્રેરિત થઈને નેક કામ કરીએ, અને આપણા જે સારા કામો છે એનાથી આ ધરતી છે એ સુંદર અને સુગંધિત બની જાય, અને એવી રીતે આપણે આ ધરતીને છે એ મહેકાવાની વાત છે એ કવિ અહીં કરે છે। જે પ્રકૃતિના જે તત્વો છે એ પ્રકૃતિના તત્વો છે એ પણ છે એ પોતાની દીવો છે, જેવી રીતે એ પોતાની જાતને જલાવીને પણ શું કરે છે આપણે બધાને પ્રકાશ આપે છે, સૂરજ છે એ પણ છે એ પૂરી ધરતી ઉપર પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવે છે, એવી રીતે ફૂલ છે એ પણ હંમેશા છે એ ખુશબુ આપે છે, ખુશ રહે છે, તોફાન હોય, વરસાદ હોય, તાપ હોય, બધું સહન કરી અને ફૂલો છે હંમેશા હસતા રહે છે, ખુશ રહે છે, તો આવી રીતે છે પ્રકૃતિના તત્વો પાસેથી આપણે પણ ઇન્સાન બનવાની વાત છે કવિ કરે છે, અને સારા કામ કરી અને આપણી ધરતીને છે એ મહેકાવાની વાત અહીં આપણને કવિ કરે છે।